इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है टर्की से, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टर्की अब एक नया पाकिस्तान बनकर उभर रहा है, और जो भारत का जम्मू कश्मीर का मसला है, खास तौर पर माइनॉरिटीज का मसला है, इस मसले को किस तरह से अगले 5 सालों तक अब यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया के जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच है उनके ऊपर घसीटा जाएगा, और जो 20 सालों के बाद टर्की के लोगों के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी कि एक सुनहरा मौका आया था, अब वो टर्की के लोग पूरी तरह से खो चुके हैं और अब इसका खामियाजा टर्की की आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपडेट करें तो सबसे पहले आपको मिले। अब मैंने क्यों कहा कि टर्की एक नया पाकिस्तान बन रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि जो टर्की के लोग हैं वो सेम पाकिस्तान की तरह अपने लीडर अर्दोगान के फेलियर को देख ही नहीं पा रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार आने से पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरकार 4 सालों तक रही, यानी इमरान खान ने भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पाकिस्तान को 4 साल तक रूल किया था, और जो वो 4 साल का दौर था उस दौरान पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो लगातार डाउन आ गए। इसके साथ पाकिस्तान के अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बंद हो गई, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स लगातार नीचे आए, और जो पाकिस्तान की नेशनल करेंसी है यानी कि पाकिस्तान रुपीस वो भी लगातार डाउन आ गई, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आया करती थी वो भी आना बंद हो गई। इसके साथ पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई वो काफी ज्यादा हाई हो गई, और पाकिस्तान के लोग लगातार पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते गए और वहां पर गरीब बनते गए, और पाकिस्तान इमरान खान के रूल में एक डीप फाइनेंशियल और डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गया। अब ये सारी चीजें जो पाकिस्तान के साथ हुई हैं, ये सारी चीजें टर्की के साथ भी हुई, और वो भी अर्दोगान के वॉच के अंडर। लेकिन फिर भी टर्की के लोगों ने इन सारे फैक्ट्स को इग्नोर किया और स्टिल अर्दोगान को वोट करके जो टर्की के रन ऑफ इलेक्शंस हुए हैं उसमें अर्दोगान को जिता दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जो 28 मई को यानी कि पिछले कल टर्की के अंदर रन ऑफ इलेक्शंस होने थे उसमें अर्दोगान एक बार फिर से जीतकर टर्की के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जो 14 मई को टर्की के अंदर जो पहले फेज के इलेक्शंस हुए थे उसमें टोटल 4 कैंडिडेट्स थे और किसी को भी 50% से ज्यादा वोट्स नहीं मिले थे, यानी किसी के पास भी क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए टर्की के अंदर जो टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं उनके मुताबिक टर्की में 2 हफ्तों के बाद रन ऑफ इलेक्शंस करवाए जाने थे और उसमें टॉप के 2 कैंडिडेट होने थे बस। अब जो पिछले कल यानी कि 28 मई को टर्की के अंदर रन ऑफ इलेक्शंस हुए इसमें अर्दोगान के सामने थे केमाल किलिचदारोग्लू। अर्दोगान को मिले 52.14% वोट्स जबकि केमाल किलिचदारोग्लू को 47.86% वोट्स, और इस तरह से अर्दोगान एक बार फिर टर्की के रन ऑफ इलेक्शंस को जीत चुके हैं, और टर्की के 8.5 करोड़ लोगों का भविष्य है अब एक बार फिर उसी अर्दोगान के हाथों में आ गया है जो पिछले 20 साल से टर्की के अंदर लगातार फेल होते आए हैं। अब जो अर्दोगान के जीतने का मेन रीजन है वो तो रिलीजन कार्ड है ही, लेकिन इसके साथ ही जो पहले फेज के इलेक्शंस हुए थे उसमें जो तीसरी प्लेस के कैंडिडेट थे यानी जो तीसरे नंबर के ऊपर आए थे वो थे सिनन ओगान, उनको समय 5% वोट्स मिले थे, और अर्दोगान ने अभी एक ही हफ्ते पहले उनके साथ मिलकर मीटिंग की जिसके बाद सिनन ओगान ने अपना सपोर्ट पूरी तरह से अर्दोगान को दे दिया। अब माना जा रहा है कि जो 5% वोट्स थे ये अर्दोगान के फेवर में शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से अर्दोगान केमाल किलिचदारोग्लू से 4.28% के मार्जिन से जीते हैं। अर्दोगान की इस जीत के साथ ही जो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो बाइडेन से लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चाइना, मिडिल ईस्ट, इन सब देशों ने अर्दोगान को कांग्रेचुलेशन मैसेज देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसी के साथ जो टर्की के लोग हैं, जो टर्की की अर्थव्यवस्था है उसकी बर्बादियां पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा था कि अभी टर्की के जो रन ऑफ इलेक्शंस थे इसके रिजल्ट आए भी नहीं थे, बस ये आशंका जताई जा रही थी कि अर्दोगान इसमें जीत सकते हैं। उसी को देखते हुए जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें जो टर्की की करेंसी लीरा है उसने अपना ऐतिहासिक लो टच किया था। 20 साल पहले टर्की की जो करेंसी लीरा थी वो $1 के मुकाबले 1.3 के ऊपर खड़ी थी, और 20 सालों के बाद यानी पिछले कल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें टर्की की करेंसी ने 20 हिट किया था। टर्की के अंदर जो लोग हैं, जो वहां पर आम शॉपकीपर्स हैं, सड़कों के ऊपर जो वेंडर्स होते हैं, जो वहां पर शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, वो खुद अपने देश की करेंसी लीरा को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, और जब कोई उनको लीरा देता है तो वो सामने से बोलते हैं क्या आपके पास यूरो है, क्या आपके पास यूएस डॉलर है, या फिर किसी और देश की करेंसी तो नहीं है। यानी इतनी बुरी हालत हो चुकी है टर्की की करेंसी लीरा की। लेकिन अब क्योंकि टर्की के लोगों ने एक बार फिर अर्दोगान को ही वोट किया है, इस वजह से अब अर्दोगान भी आगे भी अपनी सियासत में रिलीजन कार्ड खेलते रहेंगे और इस्लाम धर्म को पर्सनल गेन्स के लिए पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते रहेंगे। वहीं अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भारत के लिए थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि अर्दोगान की कश्मीर पॉलिसी के बारे में तो हम सबको पता है, और अर्दोगान क्योंकि एक बार फिर रिलीजन के नाम के ऊपर जीत कर आए हैं तो वो कश्मीर के ऊपर अपनी पॉलिसी को बिल्कुल सेम रखेंगे और आगे भी कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया के अलग अलग मंचों के ऊपर उठाते रहेंगे। वहीं जो टर्की में अर्दोगान के मेन ओपोनेंट थे केमाल किलिचदारोग्लू, अगर वो जीतते तो क्या पता टर्की का जो कश्मीर के ऊपर स्टांस है वो थोड़ा चेंज हो सकता था, और जो टर्की की अर्थव्यवस्था है
उसमें भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती और जो टर्की के भारत के साथ बायलेटरल रिलेशंस हैं वो भी थोड़े बहुत सुधर सकते थे। और इन सबसे टर्की के लोगों को खुद ही फायदा होता, ये कोई भारत के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि भारत तो अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से उभरने वाली मेजर इकोनॉमी है और टर्की के लोग और टर्की की सरकार भारत के साथ कोऑपरेशन को आगे बढ़ाकर इसका फायदा उठा सकती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो टर्की के लोग हैं उनके पास जो एक 20 सालों के बाद सुनहरा मौका आया था अर्दोगान को रिप्लेस करके एक नया प्रेसिडेंट चुनने का, वो उन्होंने पूरी तरह से खो दिया है। और उन्होंने धर्म को एक प्रॉस्परस टर्की के ऊपर चुना, जिसके कारण अब जो उनकी आने वाली पीढ़ी है उनके इस फैसले के कारण उनको भुगतना पड़ेगा, उनके बच्चों को ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी।